नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला विकलांगता सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, UDID का जो फॉर्म अप्लाई होता है वह किस प्रकार से होता है और फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस है और किस प्रकार से आपका जो विकलांगता सर्टिफिकेट बनेगा कैसे बनेगा और आपको जो है फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या करना होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपको प्रोसेस बता देता हूँ, आपको सिंपली करना क्या है ये मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से। और अगर आप वहाँ पर जाते हैं, अगर आपको ऑनलाइन का सुविधा नहीं मिलता है तो आप खुद से ही मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो घर से भी आप लोग ऑनलाइन करके वहाँ पर प्रिंट आउट ले जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है UDID। ये लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर में ही यहाँ पर लिखा है यूनिक डिसेबिलिटी ID, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देता होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें सिंपली आपको करना क्या है चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेंट का यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिड नेम, उसके बाद यहाँ पर सर नेम, यानी कि अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर राज भर दिए और मिड नेम में यहाँ पर कुमार भर दिए, ये कुमार हो गया। और उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर सर नेम अगर जैसे कि पासवान हो गया, झा हो गया, मिश्रा हो गया, ये अगर आप लोग लगाते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अगर नहीं लगाते हैं तो नहीं लिखिएगा। यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट नेम में यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ये माइनॉरिटी है। उसके बाद चलिए यहाँ पर राजकुमार लिख दिए, आवेदक का पहला नाम, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख दिए, जिस प्रकार से वह इंग्लिश में लिखे थे उसी प्रकार से यहाँ पर हिंदी में भी लिखना है। चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम भरना रहता है, तो चलिए यहाँ पर फादर्स नेम में यहाँ पर कुछ भी भर देते हैं, चलिए यहाँ पर ये भर दिए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का मदर नेम यहाँ पर भर दिए। उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर पूरा नाम अगर यहाँ पर भर देना है, उसके बाद आपको नीचे में हिंदी में भरना है। तो चलिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगर नीचे में चलिए जाके 2001 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम यहाँ पर हिंदी में आपको टाइप करके भरना रहता है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आवेदक के माता नाम यहाँ पर चलिए यहाँ पर कुछ भी भर देते हैं आप लोग को समझाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका एज जो है कितना पूरा है यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद जेंडर, यहाँ पर जेंडर आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चलिए बता देता हूँ, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना रहता है, तो चलिए मोबाइल नंबर यहाँ पर सिंपली भर देता हूँ। जो आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर चूज कर लीजिएगा, कौन सा आपका मोबाइल नंबर है। ये भरने के बाद यहाँ पर आपको अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भर दीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है आप किस कैटेगरी से, यानी कि आपका जाति कौन सा है। इसमें चार को कैटेगरी दिया गया, जनरल, OBC, SC, ST। तो मैं यहाँ पर जनरल से हूँ तो यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लूँगा, आपका जो होगा यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, अगर आपको मालूम है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन है तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव पिट विथ PWD, यानी कि इसमें आप यहाँ पर जो है आपको पूछ रहा है कि वो रिलेटिव जिसका आप ऑनलाइन कर रहे हैं वो कौन है। आप इसमें अगर आप खुद कर रहे हैं तो सेल्फ मारिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो सिलेक्ट करना रहता है, फ़ोटो का साइज़ आपको लोग बता देता हूँ, यहाँ पर 15 KB से 30 KB के अंदर में ही यहाँ पर फ़ोटो यहाँ पर अलाउ है, नहीं तो इसमें नहीं लेगा। इसमें आप लोग जाके फ़ोटो का जो है यहाँ पर साइज़ देख लीजिएगा 15 से 30 KB के बीच में। मैंने फ़ोटो पहले से बना रखा है तो इसको फ़ोटो को जो है चलिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे फ़ोटो, देखिए मेरा फ़ोटो इसमें आ गया। उसके बाद ही यहाँ पर जो है सिग्नेचर 3 KB से लेकर 30 KB के अंदर में इसमें रखना रहता था, सिग्नेचर मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है, तो देखिए मेरा सिग्नेचर भी आ गया। और उसके बाद चलिए आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सिग्नेचर और फ़ोटो जो है मेरा यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसको जो है फ़ोटो जो है आपको 15 से 30 KB के बीच में रखना रहता है, सिग्नेचर 3 KB से लेकर 30 KB के अंदर में ही रखना रहता है। एड्रेस लाइन में जो आपका एड्रेस होगा वो आप इसमें एड्रेस भर दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर हम सिमरा भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बंदरा भर दिए,
इस प्रकार से आप इसमें जो आपका एड्रेस होगा इसमें भर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर पियर भर देते हैं, कुछ भी भर सकते हैं इसमें, जैसे कि हो गया आपका विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया और ब्लॉक इसमें भर सकते हैं। उसके बाद सेम इसको हिंदी में यहाँ पर लिखना रहता था, चलिए यहाँ पर हिंदी में भी इसको हम लिख देते हैं, सेम जिस प्रकार से था उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे में भी लिख देते हैं। चलिए ये हो गया और उसके बाद नीचे में हम लिखे थे पियर, तो चलिए यहाँ पर पियर भर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करने रहता है, स्टेट आप किस कहाँ से हूँ, मैं तो बिहार से हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से बना रहा हूँ। सेम प्रोसेस सभी डिस्ट्रिक्ट का है, इसमें मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर तहसील पूछ रहा है, यानी कि आपका जो ब्लॉक है वो पूछ रहा है, ब्लॉक मेरा बंदरा है वो भर दिए। उसके बाद इसमें पिन कोड, पिन कोड आपको डाल देना रहता है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, पिन कोड में स्टार लगा हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको नेचुरल ऑफ डॉक्यूमेंट्स फोर टाइप इसमें प्रूफ के लिए इसमें पूछता है, इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन देता है यहाँ पर, लेकिन आप लोग को आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है, बेहतर होगा आधार कार्ड। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस के लिए करेक्शन के लिए जो यहाँ पर प्रूफ अपलोड करना रहता है वो आधार कार्ड भी यहाँ पर 10 KB से लेकर 100 KB के अंदर में ही आपको अपलोड करना रहता है। तो चलिए आधार कार्ड भी मैंने यहाँ पर इसका फ़ोटो खींच के रखा है और आधार कार्ड यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। देखिए ये मेरा आधार कार्ड हो गया और उसके बाद यहाँ पर सिंपली हमको करना क्या है, आधार कार्ड अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि ये एड्रेस आपका जो परमानेंट एड्रेस और ये सब सेम है या मतलब अलग अलग है, तो इसमें हम सेम में टिक मार देंगे। अगर अलग अलग है जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन में पूछ रहा है, तो क्वालिफिकेशन में ही मैं यहाँ पर आपको प्राइमरी दिखाई देगा, मिडिल हाई प्राइमरी दिखाई देगा, सीनियर सेकेंडरी दिखाई देगा, यहाँ पर डिप्लोमा ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास पहले से विकलांगता सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस कीजिएगा, उसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलेगा और सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें डिसेबिलिटी टाइप पूछ रहा है, तो आप किस प्रकार से, जैसे कि आप अगर ब्लाइंडनेस है यानी कि आपको आँख से नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो वहीं यहाँ पर जो है अगर हाथ पैर में कुछ मतलब कि आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी यहाँ पर होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, कब से आप मतलब कि इसमें पूछ रहा है कब से आप यहाँ पर पूछ रहा है कब से आप मतलब कि विकलांग है, तो यहाँ पर हम 2004 से भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एरिया पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है आप कौन हाथ से विकलांग है, यहाँ पर बॉडी हाइट हो गया, यहाँ पर डिसेबिलिटी में मतलब कि जो वहाँ पर पूछा गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसमें बहुत सारा इसमें ऑप्शन आ जाता है, इसमें आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद चलिए यहाँ पर कोई सा भी मैं यहाँ पर डिसेबिलिटी जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर स्टार नहीं लगाया, इसको छोड़ देंगे। और चलिए नीचे में यहाँ पर डिसेबिलिटी ड्यू टू इसमें हम क्लिक करेंगे और इसमें रीज़न क्या है, तो रीज़न इसमें अगर आपको भरना हो भर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर एक्सीडेंट भर देते हैं, हॉस्पिटल इसमें आपको चूज करना रहता है, तो यहाँ से हॉस्पिटल सदर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे जो हमारा प्रोसेस जो है, चलिए इसमें थोड़ा सा नेट का स्लो काम कर रहा है उसके कारण से ही हो रहा है। और देखिए ये मेरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर नेक्स्ट पर जैसे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर अगर आप मतलब कि यहाँ पर एम्प्लॉय है पहले से, अगर आपको अगर यहाँ पर सरकारी पैसा मिल रहा है तो यहाँ से आप लोग चूज कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर अनएम्प्लॉय कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इस सब को छोड़ने के बाद इसमें BPL है या APL है ये सब यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इनकम, यहाँ पर आप अगर सरकारी पैसा अगर आपको आता है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं, यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर
आइडेंटिटी यहाँ पर फिर से प्रूफ एक मांग रहा है, तो इसमें आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो सेम पहले से आधार कार्ड अपलोड किए थे, अगर सेम अगर रखना है तो ठीक है, नहीं तो इसमें आप लोग अपलोड कर सकते थे। यहाँ पर पहले से मैंने अपलोड कर रखा है, यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। तो आधार नंबर डालने के बाद चलिए यहाँ पर डाल देते हैं आधार नंबर डाल देते हैं। उसके बाद सिंपली हमको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसमें कैप्चा हमको फिल करना रहता है, तो चलिए इसमें कैप्चा को हम लिख लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को मैं बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस है और आप लोग को क्या करना होगा उसके बाद। तो चलिए यहाँ पे जो है ये हो गया। उसके बाद सिंपली हमको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कंफर्म सबमिट करने के लिए बोलेगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको दो रिसीविंग मिलेगा, उसमें से एक आपको जमा करना रहता है, जाके आपको अपने हॉस्पिटल में जहाँ का नाम दिए थे आप, जिस हॉस्पिटल को आप सिलेक्ट किए थे वहाँ पर जाके आपको जाके जमा करना रहता है। डॉक्टर आपका जाँच करेगा, उसके बाद उस कागज़ को वहाँ पर भेज देगा आपको अप्रूव करने के लिए। और कितना परसेंट आप विकलांग है वो उसमें बता देगा वहाँ से। आपको 15 से 1 महीना का समय लगता है और आपको आपको मिल जाएगा, आईडी नंबर मिल जाएगा, उससे आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। वहीं से जो आपका विकलांगता सर्टिफिकेट होगा डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उसमें आपको सिंपली करना क्या, आपको आधार कार्ड लेके जाना है वहाँ पे, और आपको वहाँ पे टोकन कटाना रहता है, वो आज जो आप लोग ऑनलाइन करते हैं वो रिसीविंग लेके आपको जाना है सिंपली, और कुछ वहाँ पर नहीं करना। आपको 15 दिन से 1 महीना का समय लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।